सो गाइज वेलकम बैक मे वीडियो। मैं बनाने जा रही हूँ बाटी। तो बाटी बनाने के लिए गाइज मैंने एक बड़ा कटोरा आटा लिया है, सूखा आटा है ये, और इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। बाटी बनाने के लिए आप बहुत ही आसानी से बाटी बना सकते हैं। मैंने 1.5 टीस्पून नमक डाला है और इसमें मैं डालूंगी ऑयल। 2 बड़े चम्मच मैंने ऑयल डाले हैं। अब इसको टाइट गूंदेंगे, ज़्यादा जैसे पूरी का आटा गूंदते हैं उसी टाइप में इसको गूंदेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, मैंने नॉर्मल टेम्परेचर का पानी लिया है। और इसको रोटी वाला आटा नहीं मारना है, थोड़ा सा टाइट ही मारना है। थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे, इसी तरीके से गूंद लेंगे। इस तरीके से गैस जो थोड़ी का आटा बनाते हैं गूंदते हैं उसी तरीके से गूंदेंगे। आज थोड़ा सा टाइट है ये, इस तरीके से मैंने इसको गूंद लिया है। गूंदने के बाद गैस को ऑन करेंगे और इसका पानी गर्म कर लेंगे। तो गैस को मैंने हाई टेम्परेचर पर रखा है और इसको पानी को गर्म कर लिया है, और जो आटा गूंदा था वो इसमें इस तरीके से ढकेंगे और इसको ढकेंगे 10 मिनट के लिए। आटे को गाइस बॉईल कर लेंगे। तो गाइस आटा बॉईल हो रहा है, तब तक अंदर मसाला भरने के लिए वाटी में, तो मैंने एक कटोरा भर के सत्तू लिए हैं, जिसको सतुआ बोलते हैं। ये आपको आसानी से मिल जाएंगे अंसारी की दुकान पर। सो गाइस इसको मैं बड़े से बटन में पलट लूंगी। इसमें गाइस डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। एक चुटकी लाल मिर्च पाउडर, एक चुटकी गरम मसाला, आधा टीस्पून धनिया पाउडर, एक चुटकी बेकिंग सोडा, मीठा सोडा जिसको बोलते हैं, वन टीस्पून सौंफ पिसा हुआ पाउडर सौंफ का, वन टीस्पून गाइस इसमें ऑयल डालेंगे। मैंने 2 टीस्पून लिया है, 2 टीस्पून आप डाल सकते हैं। ऑयल की गाइस ज़्यादा मात्रा लेनी हो तो ले सकते हैं, मैंने तो इतनी ली है। और इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, इसका बैटर तैयार कर लेंगे। इसका गाढ़ा ही रखना है, जिस तरीके से गाइस रोटी का आटा मारते हैं उसी तरीके से आपको भूनना है। ये थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसके बैटर को ज़्यादा पतला नहीं करना है, ना ही ज़्यादा गाढ़ा करना है। इस तरीके से बहुत ही आसानी से आप बना सकते हैं। और पानी तो वैसे ही गाइस जिसमें बहुत ही ज़्यादा सूख लेता है पानी, तो थोड़ा ज़्यादा लगता है। सत्तू बहुत ही, आप चाहें तो सत्तू को चीनी में घोल के भी खा सकते हैं ठंडे पानी में, और सत्तू को आप नमक का भी, सत्तू बहुत अच्छे लगते हैं खाने में। गाइस आप बताइएगा, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको उसकी वीडियो डाल के दूंगी कि सत्तू को किस तरीके से खाना चाहिए। गाइस मीठा सत्तू बहुत अच्छा लगता है और नमक का भी बहुत अच्छा लगता है। गाइस अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को, मेरी लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इसमें थोड़ा सा पानी लगा देंगे और इसको इस तरीके से बैटर तैयार कर लेंगे। और इस तरीके से गाइस मैंने बाटी के अंदर भरने वाला बैटर तैयार कर लिया है। इस तरीके से गाइस आप बना सकते हैं, बहुत ही आसानी से बन जाता है। सो गाइस आटा जो है बॉईल हो चुका है, अब गैस को ऑफ कर दिए मैंने, और इसको हटा कर देखेंगे।
निकाल लेंगे आटे के लिए। आप देख सकते हैं कि आटा को मैंने बॉईल कर लिया है, पानी को फेंक देंगे। बॉईल किए हुए आटे को इस तरीके से हाथ से, अब ठंडा होने के बाद इसको हाथ से मैश कर लेंगे। इसको 10 मिनट के लिए ठंडा कर लेंगे पहले। तरीके से गैस भूनेंगे, ये परफेक्ट भून चुका है। इस तरीके से गैस लोई बना लेंगे और लोई हाथ में लेके और इस तरीके से गोल कर लेंगे और इसको पतला कर लेंगे और कुकर का बैटर लेके इसमें मोमोज की तरीके फोल्ड करते हुए इसकी लोई तैयार कर लेंगे। इस तरीके से लोई बना लेंगे, इसी तरीके से बाटी की लोई तैयार कर लेंगे। के लिए गैस गैस को ऑन करेंगे और मैं कढ़ाई में तरीके से तलूंगी। और एक बार पहले आप देख मेरे वीडियो में आप जाकर देखना, तो मैंने एक नान है उसमें बनाई थी बाटी और ये मैंने ऑयल में बना रही हूँ। इसको गैस गर्म करेंगे पहले, नान में भी बहुत अच्छी बनती है बाटी, तो नेक्स्ट वीडियो में आप जाके देख सकते हैं गैस। तो गैस आप देख सकते हैं इस तरीके से आप बाटी बना सकते हैं और मैंने इस तरीके से बाटी बनाई है, तरीके से बन गई है। ऑयल गर्म हो चुका है गाइस, इसको लो फ्लेम पर ही रखा है, हाई फ्लेम पर नहीं। अब इसमें बाटी डाल देंगे इस तरीके से, इस तरीके से डाल देंगे और गैस को लो फ्लेम पे कर देंगे गाइस, नहीं तो ये जल जाएंगी। इस तरीके से गाइस एक तरफ सिक चुकी है, अब इसको पलट देंगे, एक एक करके सारी पलट देंगे। ये भी बाटी इस तरीके से आप बनाएं वो भी बहुत अच्छी लगती है, ओवन की भी गाइस बहुत अच्छी लगती है, आप नेक्स्ट वीडियो में जाके देख सकते हैं। आप देख सकते हैं गाइस कितनी बढ़िया बाटी, गैस को मैंने हाई फ्लेम पे कर दिया है। इस तरीके से इसको तल लेंगे खूब अच्छे से और ध्यान देना है कि ये जले नहीं। इस तरीके से गाइस आप देख सकते हैं कि ये बाटी बनके तैयार हो चुकी है। अब इसको एक एक करके निकाल लेंगे, पड़ी लेंगे कटली और इसमें इस तरीके से निकाल लेंगे। गैस को लो फ्लेम पे कर देंगे और ये और इस थाली में निकाल लेंगे। इसी तरीके से सारी बाटियां और भी सेक लेंगे, इस तरीके से बाटी आप बना सकते हैं। जो गाइस आप देख सकते हैं कि बाटी बनके तैयार हो गई है। सो गाइस मैंने सर कर लिया है और ये है चोखा, ये दाल और ये सलाद और ये बाटी। ऊपर दाल में घी डाल देंगे और बाटी में इस तरीके से घी ऊपर से लगा देंगे। गाइस इस तरीके से आप देख सकते हैं कि दाल चोखा बाटी बनके तैयार हो चुकी है। आपको गाइस मेरी वीडियो एक कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिएगा। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और खाइए चोखा और बाटी। अभी आप देख सकते हैं कितनी सॉफ्ट बनी है और इसके अंदर सत्तू भरा है, बहुत ही बढ़िया लग रही है और ज़्यादा टाइट भी नहीं है, हार्ड भी नहीं है, आराम से आप खा सकते हैं। तो जैसे टाइट होती है तो खाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, तो ये आप देख सकते हैं कितनी सॉफ्ट और मुलायम बनी है। इसी तरीके से गाइस आप बना सकते हैं चोखा बाटी की भी की खाने के लिए। तो गाइस अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो गाइस थैंक यू, बाय, राधे राधे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, खाइए और इन्जॉय करिए। गाइस दाल में सीटी आ चुकी है और चार सीटी समथिंग लगाई है और इसके गैस कुकर ठंडा भी हो गया है और इसको खोल के देखेंगे। सो गाइस आप देख सकते हैं कि दाल ये बन चुकी है। इस तरीके से दाल आप बना सकते हैं। गैस दाल में तड़का लगाएंगे। तो गैस तड़का लगाने के लिए मैंने तवा रखा है और इसको गर्म करेंगे। जब ये अच्छे से गर्म हो जाएगा फिर इसमें 1 टीस्पून घी डालूंगी।
ये मिक्स मैंने हींग लिया है, तो हींग को यहाँ पर डाल देंगे और खल्लड़ वाला जो अदरक कुचलने वाला है उससे इसको दबा देंगे। तो गाइस मैंने ये लेडी वाली हींग ली है, आप चाहें तो बुरादा वाली भी ले सकते हैं। एक आधा टीस्पून से कम जीरा, गैस को ऑफ कर देंगे। लाल मिर्च पाउडर आधा टीस्पून, गरम मसाला, धनिया पाउडर आधा टीस्पून से कम, और इसमें गैस तड़का लगा देंगे। थोड़ा सा पानी इसमें डाल देंगे और इसको चलाएंगे। ये मैंने तड़का लगा दिया है, अब गैस इसको फिर से गैस पर रख देंगे और इसमें एक खोल लगाएंगे। गैस को ऑन कर देंगे और इसमें खोल लगा लेंगे एक, ताकि इसमें जो पानी डाला है और थोड़ी सी गाढ़ी डाल दी तो ये परफेक्ट हो जाएगी। इसमें बस खोल लगानी है। इस तरीके से चोखा बाटी के लिए मैंने दाल तैयार कर ली है। और चोखा बनाने के लिए गैस इस तरीके से आप डिस्क्रिप्शन से आप जाकर देख सकते हैं, तो बैगन का भरता किस तरीके से बनाते हैं, तो गैस उसी तरीके से आप बना सकते हैं। तो मैंने वही वैसे ही बनाया है, तो ये चोखा भी बन गया है, दाल भी बन गई है। तो गैस दाल में खोल आ चुकी है, अब इसी बर्तन में इसको परोस लेंगे। तो गैस इस तरीके से आप चारों दालें बना सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगती है, इसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है, बच्चों को भी बहुत पसंद आती है। चाहे तो आप इसको रोटी से खाएं, चाहे या फिर चावल से, बहुत ही टेस्टी लगती है। और मैं गैस बना रही हूँ बाटी,